आसिफा हत्याकांड की जांच सीबीआई को नहीं सौंपे जाने के विरोध में बार एसोसिएशन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारी वकीलों का कहना है कि जिस प्रकार से रियासत की मुख्यमंत्री आसिफा मामले को लेकर एक तरफा जांच कर रही हैं, उसमें बेगुनाह लोगों को मामले में फंसाया जा रहा है, वह निंदनीय है। उनका कहना है, 45 दिन पहले यहाँ पे एक बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ था और उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हम ये कहते हैं सरकार से कि हम ये नहीं कह रहे कि आप दोषी को छोड़िए। दोषी चाहे वो किसी भी समुदाय का है, चाहे वो हिंदू समुदाय का है, चाहे मुस्लिम समुदाय का है, लेकिन जो अपराधी है वो अपराधी है। हम ये कहते हैं कि जो जहाँ की पीस और जो हारमोनी और जो प्रेम संबंध इन जातियों के बीच में बना था, ये सरकार उस प्रेम को बिगाड़ने का पूरा पूरा माहौल बना रही है। हम ये कहते थे कि हिंदू कहूँ तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पुतला के भी खेले माए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप रूलर थी स्टेट की, पब्लिक की डिमांड एट लार्ज, पब्लिक ये चाहती थी कि उस सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए उस केस में। अगर ये चीज़ सरकार कर देती, होम मिनिस्टर को, सेंटर की होम मिनिस्टर को लेटर लिखती और उससे ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना था और कोई भी पार्टी जो थी वो ग्रीवियंस नहीं ले सकती थी। विक्टिम को भी कोई चांस नहीं मिलना था और जो इंसाफ मांगने वाले थे उनके साथ भी इंसाफ होना था। और दूसरी बात, महबूबा मुफ्ती ने जो ये कल जो हमारे एडवोकेट अंकुर शर्मा जी थे जिन्होंने ये एक्सपोज किया, जो कि जम्मू रीजन की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए जो उन्होंने षड्यंत्र रचा था और जिसमें हमारे जम्मू प्रांत के जो बीजेपी के अजय नंदा थे, एमओएस थे, वो भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जो ट्राइबल्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो ट्राइबल स्टेट लैंड पे बैठे हुए हैं, उनको अविक्ट नहीं कर सकती सरकार और जो बोवाइन स्मगलिंग है उसको भी जो है कोई भी प्रोविजन के तहत उनको नहीं पकड़ा जाएगा। और ये देखिए आप किस तरीके से धांधली हो रही है। और हम ये चाहते हैं कि, और अजय नंदा ये कल कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज कर रहे हैं, अंकुर शर्मा जी को काउंटर कर रहे हैं कि ये चीज़ जो है वो हमें नॉलेज में नहीं थी और जो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट है इन्होंने खुद डाली हुई है। देखिए ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमें ये मिनिस्टर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं और मिनिस्टर्स को ये पता नहीं है। और मैं जम्मू के लोगों से फिर अपील करता हूँ कि हम लोगों ने जम्मू की आवाज़ उठाने के लिए जम्मू के ये नेता 25 MLA जो जम्मू की विधानसभा में भेजे थे, इन लोगों ने अपने मुफाद के लिए जम्मू के लोगों के साथ धोखा किया है। प्रधान बार सुशील कठुआ, आज हमने हिंदू एकता मंच के समर्थन में काम बंद किया हुआ, जो कि कल सरकार ने बर्बर लाठीचार्ज गढ़वाल में किया, जिसमें हमारी माताओं बहनों को भी चोट आई और हमारे एक सीनियर वकील विजय शर्मा जी को अरेस्ट किया, उनको भी चोटें आई हुई थी। और तो और ये उनकी गिरफ्तारी बिना किसी जुर्म के, बिना किसी कानून के उनको गिरफ्तार किया और उसके साथ उनसे उनको थाने में रखा और उनके मोबाइल फ़ोन भी छीन लिए गए। और उसके साथ हम भाजपा की प्रशंसा करते हैं कि हमारे भाजपा के मंत्री और उनके जो और उनके जो भाजपा के जो मंत्री हैं और भाजपा के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो मूक दर्शक बन के लोगों पर लाठियां बरसने के बाद भी चुप बैठे रहे। और उनमें से एक मंत्री जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, अभी रात को 11 बजे गए पुलिस लाइन में और उन्होंने वहाँ जाके इस आंदोलन को ख़त्म करवाने की कोशिश की। ये आंदोलन हम लोगों के साथ हैं और हम चाहे आसिफा मर्डर केस में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई हो, कोई भी कल्पित हो, उसको अंदर करें, लॉ ऑफ लैंड उसको फेस करना पड़ेगा। बट
प्रॉब्लम ये है कि ये कहीं ना कहीं बायस्ड होकर किया जा रहा है। अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात हुई थी, कश्मीर में पीडीपी आई, जम्मू से बीजेपी आई, गवर्नमेंट बन गई। मैडम महबूबा मुफ्ती का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रही थी कि हमने दोनों के सेंटीमेंट्स को उनको सम्मान दिया और उनको बरकरार रखा। अगर बरकरार की बात है, बीजेपी के लोग जिन्होंने वोट करा था जम्मू प्रोविंस के, वो लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, तो मैडम को क्या प्रॉब्लम है सीबीआई इंक्वायरी देने के लिए? और एक प्रॉब्लम, एक चीज़ और इसमें ऐड करूंगा कि जो एक यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट होती है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट लिस्ट के पास होता है। और मेरी ये प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि जो ये लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट के पास है, ये प्लीज़ वापस ले लिया जाए और ये सेंटर अपने पास रख ले, इसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखें या इसको सेंट्रल लिस्ट में रखें, क्योंकि यहाँ पे हालात बस से बदतर हो चुके हैं। हम लोगों का जीना मुहाल खराब हो गया है। कोर्ट में हमारे कुछ क्लाइंट आए थे, वो कह रहे थे कि सर हमने अपने घर बेचने हैं, प्रॉपर्टी यहाँ पे अभी रेट अच्छे हैं, हमें पंजाब में या हिमाचल में हमें जमीन लेने के लिए ये लोग मजबूर हो गए हैं और ये लोग सोच रहे हैं। और ये बीजेपी को चाहिए कि टाइमली सीबीआई इंक्वायरी को हैंड ओवर कर दे, अच्छी प्रोब हो और कल्प्रिट्स को दे, शुड बी पुट द बिहाइंड बार्स। कठुआ से मोहन शर्मा, अलर्ट इंडिया न्यूज़।